दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि HRTC यानी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अपने फ्लीट में 350 नई बसेस जोड़ने जा रहा है। टाटा से खरीदी गई इन बसेस में अभी ACGL यानी ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन गोवा लिमिटेड द्वारा बॉडी लगाई जा रही है। इन 350 बसों का डिवीज़न इस प्रकार है, 175 बसें 47 सीटर, 150 बसें 37 सीटर और 25 बसें 27 सीटर होंगी। BS6 मानक 145 ऑर्डिनरी बसेस पिछले साल HRTC बेड़े में शामिल हुई थी, जो कि अशोक लेलैंड से ली गई थी। अब BS6 बसेस का ये नया बैच टाटा से लिया गया है। इन बसेस पर अभी बॉडी लगाने का काम चल रहा है और मार्च 2023 तक इन बसेस को HRTC में शामिल कर लिया जाएगा। इन नई बसेस के आने के बाद HRTC की काफ़ी सारी पुरानी बसेस को रिप्लेस किया जाएगा। 47 सीटर बसेस मुख्य रूप से लंबी दूरी के रूट्स के लिए, 37 सीटर बसेस अपर हिमाचल के लिए और 27 सीटर बसेस सिटी रूट्स के लिए खरीदी जा रही हैं। बसेस की लुक की बात की जाए तो पिछले सालों में आए स्टार बस, BS4 और BS6 मॉडल्स के मुकाबले ये काफ़ी आकर्षक हैं और हमें पर्सनली तो HRTC की खुद बनाई बसेस के बाद इनकी लुक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। स्पेशली इनकी बैक लुक काफ़ी अच्छी है। एक लंबे अंतराल के बाद HRTC में अब फोल्डिंग डोर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि पहले जहां मैनुअल फोल्डिंग डोर्स होते थे, इस बार ऑटोमेटिक फोल्डिंग डोर्स हैं। इसके अलावा इन बसेस में लगेज स्पेस भी पहले से ज़्यादा होगा। नई बसेस की तरह इनमें भी ड्राइवर के अपोजिट बस एक ही सीट है। साथ ही आप इन फोटोज़ में देख सकते हैं कि बम्पर कलर पेंट होने के बाद कुछ मेन डिपो की बसेस कैसी दिखेंगी। बस अब उम्मीद है कि जितनी सुंदर ये बसेस बाहर से हैं, उतनी ही कंफर्टेबल अंदर से भी हों। आपको ये बसेस कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।